धर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो त्रिवेणी धाम की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और रक्ष पीठाधीश्वर हमारे मध्य में विराजमान हो चुके हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष चादर और चादर भी रखी है मंच पर। सिद्धार्थ जी भी केंद्रीय यहाँ के कैबिनेट मंत्री होते हुए सरकार के उनसे भी आग्रह है कि वो संतों का स्वागत करें। नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी भी कैबिनेट मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो संतों का स्वागत करें। योगी जी को अपने आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। स्वागत के पश्चात हरिद्वार परमार्थ माघ महीने पूरे देश से हर संप्रदाय के जिस सरकार के कारण भारत का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, आज देश के अंदर एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति कर सकती है। आपने देखा होगा क्या कभी पूज्य संतों को यह मांग करनी पड़ी कि हमारे हजारों हजार वर्षों की योग की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने बिना मांगे ही वह काम हो गया। जब योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है, प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन हम अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूज्य संतों के प्रति, अपने पूज्य ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा से हम सबका मन भरता है और इस विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम प्रयागराज की जिस धरती पर बैठे हैं, माघ मेला में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं। 2019 में कुंभ का भव्य आयोजन यहां पर होगा। हजारों वर्षों की परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा है, लेकिन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कुंभ को भी मान्यता मिले यह प्रयास जब मोदी जी की ओर से प्रारंभ हुआ तो आज दुनिया को भी स्वीकार करना पड़ा है। यानी बिना मांगे ही जब सारा कार्य अपने आप होता जा रहा है तो मुझे लगता है कि पूज्य संतों को मान नहीं रखनी चाहिए, केवल आशीर्वाद देना चाहिए और मुझे लगता है सारे कार्य अपने आप होते हुए दिखाई देंगे। जो उनकी भावनाएं हैं वही तो हमारी भावनाएं हैं, हम कहीं अलग से नहीं आ गए हैं और कोई हम में परिवर्तन भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न जरूर हैं। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने भी कहा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, सबसे पहली बात तो देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री जी ने एक संत को दिया है, एक योगी को दिया है। संतों पर इतना बड़ा विश्वास, और जब विश्वास है तो संतों की जिम्मेदारी बनती है कि इस विश्वास को हम जवाबदेही में बदले, कि पूज्य संतों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ करना है, एक लंबी यात्रा चलनी है, एक लंबी कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना है। पूरे धैर्य के साथ हम सबको धर्म का आचरण करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में हमें निसंकोच आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि पूज्य संतों के आशीर्वाद के लिए
हम लोग सदैव तत्पर हैं, हमारी सरकार पूज्य संतों के आदेश का सरसों पालन करेगी, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आज के इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के अपने सभी पदाधिकारियों माननीय दिनेश जी, माननीय चंपत राय जी, माननीय पंकज जी और अन्य सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों को भी इस मंच पर आने का अवसर दिया, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन में हम लोग आने वाले समय में कुंभ के भव्य आयोजन को यहां पर करने और आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से आभार निवेदित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। उद्बोधन के लिए पूज्य जगतगुरु वासुदेवानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन है कि अपना अध्यक्ष उद्बोधन